तो शुरू करते हैं आज एक नए वीडियो के साथ। आज मैं रिएक्शन दूंगा मुनव्वर फारूकी के नए गाने पे। कॉमेडी वीडियो नहीं है क्योंकि ये मेरे ख्याल से त्याग चुके हैं। इनकी पोस्ट भी देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे कि स्टैंड अप कॉमेडी उन्होंने त्याग दी है और उसके 5 दिन बाद मैंने एक वीडियो देखी थी गुप्त रूप। अब समझ में नहीं आ रहा बल्ले नहीं पड़ रहा है भाई, सब सिंगर बनना चाह रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। बहरहाल हमें तो मज़े लेने, तो मज़ा में मिल ही रहे हैं। गाने पे रिएक्शन देते हैं। इसका नाम है कलंदर मुनव्वर एक्स फरहान खान, प्रोड्यूस बाय नौरान बीट्स, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो 2022। देख लेते हैं। नागपाड़ा का राइडर यही तो है, कट मार के निकल जाऊंगा। मसला है भाई। कॉमेडियन, रैपर, सिंगर, डायरेक्टर, चार चीज़ें बन चुके हैं ऑलरेडी।
और दूसरी चीज राइटर भी मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि यार इतनी रेयर राइटिंग मैंने कभी नहीं सुनी मजाक साइड के। कितने भी मतलब कितने मतलब 200 से ऊपर वीडियोस पे रिएक्शन दे चुका हूँ, मान लो उसमें से 50-60 ट्रेलर थे, चार पाँच वो 20-30 कुछ भी होगी, मतलब 100 वीडियो में कम से कम मैंने रिएक्शन दिया ना रैप सॉन्ग वगैरह पे, उसके अकॉर्डिंग बताना चाह रहा हूँ यार इतनी रेयर राइटिंग नहीं सुनी मैंने जितनी इसकी सुन रहा हूँ यार। मतलब बंदा अलग ही लेजेंडली आ रहा है, इससे अच्छा तो मुझे इसके गाने अच्छे लग रहे हैं। और कितना मतलब स्वीट बॉय स्वीट वी, वो बहुत प्यारी प्यारी आवाज़, प्यारी प्यारी लिखाई के साथ प्यारा प्यारा मीठा मीठा सॉन्ग चल रहा है उसके पीछे, कितना सुकूनदायक सॉन्ग बनाया है। ये नहीं कोई ऊपर जा रही लेवल आ रही, मतलब वो कोई भसौड़ी नहीं, मतलब बिल्कुल सुकून के साथ, अगर तुम रात में बैठ के सोते टाइम भी लगा लो ना आराम बंद होने आ जाएगी ना मजाक से हट के। बहुत अच्छा बनाया यार, कानों को चुभने वाला नहीं, कानों को आरामदायक सॉन्ग लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसका नाम और इसका काम और इसका गाना भी। अब तुम्हें मेरा रिएक्शन कैसा लगा ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है, जो भी तुम्हें लगा हो इस बारे में तो तुम मुझे बता सकते हो। मेरी आवाज़ इसलिए थोड़ी धीमी हो गई क्योंकि मैं तुम्हें लोगों को एक बार बता चुका हूँ, मैं हर वीडियो में नहीं बताता हूँ, मतलब कुछ कुछ वीडियो में बताता हूँ। मुद्दा ये है कि भाई मैं सारी वीडियोज़ पर अलग अलग एक एक दिन बैठ के नहीं बनाता हूँ, ठीक है, मैं सारी वीडियो हफ्ते में या 2 से 3 दिन में बनाता हूँ। हफ्ते मतलब कि अभी सैटरडे संडे का लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली में, तो इस बेस पर मैं भाई कम कम बनाता हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब सैटरडे संडे बन रहा था तो सारी वीडियो बना ली, हर दिन लगा दी वीडियो, धड़ाधड़ा डाल दी, इस वजह से तो थोड़ी आवाज़ डाउन हो जाती है। थोड़ी देर पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस पर रिएक्शन दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग मेरी आवाज़ काफ़ी लो हो चुकी, तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। और जैसा भी आपकी थिंकिंग आ रही है आपके दिमाग में कि मेरी वीडियो देख के आपको कैसा फील हो रहा है, कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही, जो भी आपके मन में आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज कीजिए और मुझे बताइए कि आप और कौन कौन सी वीडियो ऐसी हैं जिसमें मुझे रिएक्शन करना चाहिए या करूँगा या तुम लोग मेरा रिएक्शन देखना चाहते हो, ठीक है। तो मेरी सारी बातें हो चुकी हैं, आवाज़ थोड़ी सी बैठ चुकी है, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।